नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मनोहर रेखा मैथ। इसकी प्रश्नावली पहली चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7वां। चलो देख लेते हैं, आज क्वेश्चन नंबर है 7वां। देखिए दोस्तों क्या है, एक इसमें सवाल दिया गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। क्या इस रूप में होता है विषम पूर्णांक, ये बात आपसे पूछी गई है। अब बात ये दोस्तों, ये संख्या जो है ऐसी संख्या क्यों लिखी गई है, इसका रूप मतलब क्या है, जरा समझो। जरा हम एक या कुछ सवाल पहले ही या पिछला कुछ सवाल भी हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं। देखना कैसे पढ़ चुके थे हमने, ये आपको बताया था कि जब भाग वाली संख्या होती थी, जैसे मान लो जब भाग की संख्या होती है, भाग का सवाल जो होता है उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखना कैसे, जरा सोचना समझना, देखते रहने दर। इन दोनों संख्याओं को मतलब ये जो बीच वाली संख्या होती है, इस संख्या के आप पहले लिख लो, इससे ठीक पहले वाला सवाल देखो, इस बीच वाली संख्या को पहले लिख लो, और इसके बराबर क्या होता है, ये दोनों संख्याओं को गुणा करके और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर जो शेष बचता है आर, वो ऐसे लिख दिया जाता है। इससे ठीक हम लोग कई सवाल लिख चुके हैं, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये सूत्र कहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब देखना BQ+R, अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बी की जगह 6 है, BQ+1, BQ+3, BQ+3, यही रूप लिखा हुआ है। अब मुझे कह रहा है क्या ये धनात्मक है पूर्णांक, ये जरा हम लोगों को चेक करना है, या देख लो। अब जरा सोचना एक बात, जो बी है ना, बी से जो आर होता है वो हमेशा छोटा होता है। मान लो यहाँ पर बी की जगह पर कितने हैं, 6 है ना, BQ+1 यानी BQ+R, यानी बी की जगह कितना 6 है, यानी बी का मान 6 है, तो जो आर होगा आर वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी 2 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। क्या आर क्यों हो सकता है, अगर 6 होगा तो 6 का इसमें भाग चला जाएगा तो 6 कट जाएगा, यानी 6 से कम होगा, यानी कि इसका जो मान होगा इस बार सवाल पता क्या हो सकते हैं मान, या समझना। जैसे कि ए बराबर BQ-0 मान हो सकता है, ए बराबर BQ-1 हो सकता है, ए बराबर BQ-2 हो सकता है, ए बराबर बी बी क्या यहाँ पर 6 लिख दो, 6, ठीक है ना, क्योंकि 6 6 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 6 लिख दो, 6Q-3, ए बराबर 6Q-4, ए बराबर। अब यार देखना वो कह रहा है विषम पूर्ण संख्या, देखो ये भी विषम है, ये भी विषम है 3 वाली, और ये जो 5 वाली है ना, जी वाली 6, 5, ये भी समझ। तो देखना ये तीनों ही संख्याएं ऐसी हैं, एक एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक संख्या ये तीनों ही संख्याएं देखो मिल रही, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या, ये तीनों ही संख्या कैसी हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं का रूप है, बिल्कुल है, बस यही हमको बताना था, ठीक है दोस्तों। अगली बात सुनना, अगला देखते हैं मीटिंग।